कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में क्या खुला है और क्या बंद रहेगा, सुनते हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने आपको सुनाया बड़ी जानकारी वो देते हुए कि अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा दिल्ली में। और एक बात उन्होंने जो कही वो ये भी अच्छी है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लोग पैसा कमाने के लिए, काम धंधे के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वीकेंड पर जो लोग बाहर निकलते हैं वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं। इसलिए वीकेंड पर अगर कर्फ्यू लगाया जाएगा तो इस चेन को तोड़ा जा सकता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल, सिर्फ 4 दिन के भीतर किस तरीके से मामलों में इजाफा हुआ। 7,000 ये पूरे मामले 17,000 तक पहुंच गए। वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान पर दिल्ली वालों की क्या राय है, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए ये फैसला बिल्कुल गलत है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 2 दिन का मतलब क्या है? अगर लगाना था कंप्लीट, 10-15 दिन के लिए कंप्लीट लगा दो, पब्लिक तो वैसे ही परेशान, और परेशान कर रहे हो आप। 2 दिन का मतलब क्या है? अब लोग काम धंधा है वो भी रुक जाएगा, लोग अपनी परेशानियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, और हॉस्पिटल वैसे ही जो आजकल बीमारी इतनी चल रही है, वायरल फैल है, घर से निकलेंगे लोग, हॉस्पिटल जाना है, डिस्पेंसरी जाना है, कैसे जाएंगे? यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा, वो पुलिस वाले तो मानते नहीं। सर ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर आदमी, होटलें हैं, लोगों का कच्चा माल सब बेकार हो जाएगा, मजदूर सारे अपने वर्कर्स को भगा देंगे, कहेगा हमारे पास काम नहीं, तुम जाओ। देखो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसको पैसे नहीं मिलो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा वो? ये तो गलत चीज़ है। सख्ताई कर दें कि आप मास्क पहने, कम निकलें बाहर, जो काम वाला काम निकले, बाकी वाले तो फालतू निकले, पर लेकिन लॉकडाउन करना बिल्कुल गलत है। थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है, क्योंकि आम आदमी ज़्यादा परेशान रहेगा, और पूरा लॉकडाउन लगा देगा तो बेचारा कोरोना से गया, वो तो भूख से ही मर जाएगा आदमी, क्योंकि तो काम धंधे वैसे ही बटे हुए हैं आज की डेट में, तो ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दे थोड़ा सा। तो दिल्ली वालों की राय हमने आपको सुनवाई। ABP News आपको रखे आगे।